समाजवादी पार्टी के लिए दुखद खबर। समाजवादी पार्टी के सबसे वृद्ध सांसद सफिकुर रहमान बर्क का आज निधन हो गया। समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी क्षति। समाजवादी पार्टी ने सफिकुर रहमान बर्क को 2024 लोकसभा चुनाव में संबल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था। वर्तमान में सफिकुर रहमान संबल लोकसभा सीट से सांसद थे। आज उनका निधन हो गया। समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। समाजवादी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें संबल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था। पिछले कई दिनों से सफिकुर रहमान बर्क बीमार चल रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उनसे भी मुलाकात किया था। उनकी पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। आज उनका निधन हो गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक दुखद खबर। समाजवादी पार्टी के सबसे वृद्ध सांसद सफिकुर रहमान बर्क का आज निधन हो गया। समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति।